हेलो दोस्त, वेलकम टू विजडम जॉब्स। विजडम जॉब्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम सैयद गोरी मोहम्मद। आज मैं करंट अफेयर्स का टॉपिक सवाल और जवाब के रूप में देने वाला हूं। आप ध्यान दीजिएगा। विच सिटी हैज़ रिसेंटली होस्टेड इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस? विच सिटी हैज़ रिसेंटली होस्टेड इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस? राइट, निम्नलिखित में से हमें ये आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि कौन सी सिटी जो इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया, होस्ट किया, और कौन से सिटी ने निम्नलिखित में से इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया यानी होस्ट किया। अब इनमें से कौन सा सिटी है उसकी जानकारी लेना पड़ेगा। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, राइट। और इसके बारे में जानना चाहते हैं, इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस से हमें ये मिलता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसा है, हमारा जुडिशियल सिस्टम का जो प्रोसेस कैसा है, डिले हो रहा है यानी तुरंत हो रहा है, हमारे जुडिशियल सिस्टम में कौन से विंग्स है, ये भी चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा जुडिशियल सिस्टम में जो हाई पावर हो गया और सुप्रीम पावर में जो हो गया उसी को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, और हर एक स्टेट को एक हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, जैसे सेशन कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, म्यूनसिपल कोर्ट्स होते हैं, कई रकम के कोर्ट्स होते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सुप्रीम पावर रहता है जुडिशियल में, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रहता है। यहाँ पर हमें ये चीज़ को ध्यान लगाना पड़ेगा। अभी इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है और किस तरह ये इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हुआ? 22 फरवरी 2020, राइट। इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 22 फरवरी। द कॉन्फ्रेंस वॉज एड्रेस्ड बाई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने इस कॉन्फ्रेंस को शुरू किया था, इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस को भारत के जो प्रधानी मोदी जी ने इसको होस्ट किया था। और यहाँ पर ये इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ ये 22 फरवरी 2020 को इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। द कॉन्फ्रेंस वॉज एड्रेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। इसको एड्रेस दिया था और होस्ट किया था नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए। और द टॉपिक ऑफ द वन डे कॉन्फ्रेंस इज जुडिशियरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। सवाल यहां से बनता है, इसका मेन स्लोगन और मेन ये नारा क्या हो गया ये जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का? व्हाट इज इट? जुडिशियरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का द मेन मोटो क्या हो गया, प्राइम मोटो हो गया, जुडिशियरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। जुडिशियरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड, ये क्या है? अदालत का जो कानून है और वो उसके हिसाब से सारा दुनिया को चेंज करे, जुडिशियरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। ऑल्सो द थीम ऑफ जेंडर जस्ट वर्ल्ड, और इसका थीम हो गया, स्लोगन हो गया कि जुडिशियरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड, थीम हो गया जेंडर जस्ट वर्ल्ड। क्या कहना चाहता है जेंडर जस्ट वर्ल्ड का मतलब ये हो गया कि जेंडर इक्वालिटी। ये संसार में एंड दुनिया में जितने भी ये लोग हैं, और मेनली दो जेंडर्स होते हैं, जैसा कि स्त्री और पुरुष, राइट, पुरुष और महिला, ये पुरुष और महिला के बीच ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसको हटा के दोनों के बीच एक समानत्व भावन को स्थापन करना और एक इक्वालिटी को लाना, इसी को कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। और ये जेंडर इक्वालिटी के बारे में मेन थीम बना गया इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में। इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का मेन थीम क्या हो गया? जेंडर जस्ट वर्ल्ड, जेंडर इक्वालिटी। जैसा कि इसको इसके आदर्श लेते हुए, इसके अनुसार इंडिया में जो इंडियन का जो मिलिट्री आर्मी में जितने भी वुमेन काम कर रहे हैं, और वो वुमेन को एक परमानेंट बेस पे एक कमीशन लाया गया है, और वुमेन का वो जो रिकग्निशन है और वो डिजिग्नेशन है उसको आइडेंटिफाई कर चुका है। तो इसलिए वुमेन, कोई महिला पुरुष से कम नहीं, ये जो भावना हो गया मेन थीम इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस, ये हुआ न्यू दिल्ली में। कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में
हुआ? सही जवाब है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में हो गया। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा चर्चा में आप शामिल हुए और मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद सुनाना चाहता हूँ मैं। और एक बात मैं कह रहा हूँ कि हमारा विजडम जॉब्स का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप हमारे शेयर करने का और कमेंट करने का और उसके साथ साथ लाइक करने का मैं आपसे गुजारिश मानता हूँ, राइट, आपसे गुजारिश करता हूँ। मैं आपसे गुजारिश फिर से करता हूँ कि हमारे जितने भी वीडियोस हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, फिर से हमें आगे हमारी जो चर्चा कंटिन्यू करने वाले हैं, शुक्रिया।